हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग CE-308 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट 8 का एसीटीएन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसीटीएन के बारे में जानने से पहले हम जो नॉर्मल रेन होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारी नॉर्मल रेन होती है वो भी नेचर में एसिडिक टाइप की ही होती है, क्योंकि जब वाटर गिरता है बरसात के साथ में तो हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% के अराउंड होती है वह वाटर वेपर यानी H2O के साथ में मिलकर H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, जो अपने आप में एसिटिक टाइप की होती है जिसका पीएच रेंज 5 to 6 होता है। तो जो एसिड रेन होती है वो हमारी नॉर्मल रेन से किस प्रकार से डिफरेंट होती है तो उसके लिए देखते हैं। इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन आदि से निकलने वाले धुएं में SOx यानी सल्फर के ऑक्साइड, NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और COx यानी कार्बन के ऑक्साइड्स उपस्थित होते हैं। और जब ये SOx, NOx या COx जब हमारे एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं तो वहां पर ऑलरेडी वापर वाटर वेपर्स के रूप में H2O मौजूद होता है। तो जो ये ऑक्साइड्स होते हैं ये H2O के साथ में क्रिया करके एसिड्स का निर्माण करते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि अगर H2O SOx के साथ में मिलेगा तो ये H2SO3 या H2SO4 का निर्माण करेंगे यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेंगे। और यदि H2O NOx के साथ में मिलेगा तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का निर्माण करेंगे और H2O COx यानी कार्बन के ऑक्साइड के साथ में मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 का निर्माण करेंगे। तो ये तीनों चारों एसिड्स एनवायरनमेंट में उपस्थित होते हैं। और जब वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है तो उस वर्षा के जल के साथ में ये एसिड्स भी गिरते हैं जिसको एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वर्षा के दौरान ये एसिड्स वर्षा जल के साथ अर्थ पर गिरते हैं जिसे एसिड रेन कहते हैं, जिसका पीएच रेंज होता है 4 या 4 से कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के ऊपर हमारे और हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है लैंड की उर्वरक क्षमता कम होती है, कि अगर ये जो एसिड रेन है यानी अम्लीय जो जल है वर्षा का ये अगर हमारी पृथ्वी पर गिरेगा तो इसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम होगी, जितना प्रोडक्शन होता है वो कम होगा। सेकंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्किन कैंसर की संभावना होती है। थर्ड है बिल्डिंग्स पर गिरने से उसमें मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देती है जिससे बिल्डिंग्स में दरारें पड़ जाती है और वह गिरने की स्थिति में हो जाती है या फिर गिर जाती है, क्योंकि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये H2SO4 के साथ में क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है जिसमें बिल्डिंग्स में हल्के हल्के छेद से बन जाते हैं जो दीवारों में दरार का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट है वनों की ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट है यानी 5 एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। एक्वेटिक लाइफ से मतलब होता है कि जो महासागरीय या फिर समुद्रीय जो जल जीवन होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो महासागर या समुद्र होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है। अगर ये एसिड रेन उनमें जाएगा तो उसका भी पीएच कम हो जाएगा, जो वहां के जलीय जीव है उनको नुकसान पहुंचाएगा। थैंक यू।